अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 111 जो कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स के हवाले से है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत सारे टैक्स पेयर हैं जिनको नोटिस आते हैं और उनको अपनी इनकम या एसेट्स जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए या अनएक्सप्लेन्ड हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसके ऊपर नोटिसेज आते हैं और ऐसी इनकम और एसेट्स जो हैं वो उनकी इनकम में ऐड बैक कर दिए जाते हैं अगर वो प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकें। तो चलिए आज देखते हैं कि सेक्शन 111 क्या कहती है और इस हवाले से क्या क्या की प्रोविजंस इनकम टैक्स लॉ में अवेलेबल हैं। सेक्शन 111 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई अमाउंट किसी भी टैक्स पेयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रही है या क्रेडिट हुई है, या किसी टैक्स पेयर ने इन्वेस्टमेंट की है, या किसी मनी या वैल्यूएबल आर्टिकल का वो ओनर है, या किसी भी टैक्स पेयर ने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जो कि डिक्लेयर नहीं हुआ, या किसी शख्स ने कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की या कंसील की है, छुपाई है, और उस हवाले से या फिर उस हवाले से उसने इनकरेक्ट या इनएक्यूरेट जो पार्टिकुलर्स हैं वो दिए हैं, और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोई प्रोडक्शन का डाटा उसने सही नहीं दिया, कोई सेल्स उसने छुपाई हैं या कम डिक्लेयर की हैं या इनएक्यूरेट हैं, या कोई और अमाउंट जो कि जिसके ऊपर टैक्स लगना था वो भी छुपाया है अगर, या फिर कोई भी रिसीट उसको आई है, आइटम ऑफ रिसीट है जो जिस पे टैक्स लगना था और वो भी या तो फुल्ली उस पर टैक्स नहीं दिया या पार्टली उस पर टैक्स नहीं दिया। इन सारी सूरतों में अगर उससे पूछा गया है उस टैक्स पेयर से इसकी एक्सप्लेनेशन और वो उसकी एक्सप्लेनेशन देने में नाकाम रहा है, या उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कि वो सोर्सेज क्या थे कि जो अमाउंट क्रेडिट हुई है या जो इन्वेस्टमेंट की है या जो आर्टिकल वैल्यूबल आर्टिकल है उसका, या कुछ जो फंड्स उसके पास आए हैं उसका सोर्स या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दे पाया प्रॉपर्ली, और कोई ऐसा ऐसी क्रेडिट जिसको या तो फुल्ली छुपाया गया है या उसको सुप्रेस किया गया यानी कम शो किया गया है, कोई सेल्स ऐसी हैं और या कोई क्रेडिट या आपके रिसीट्स जो हैं वो टैक्स चार्जेबल थी लेकिन वो छुपा दी गई फुल्ली या पार्टली, और उसकी वो या तो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका या कमिश्नर की ओपिनियन में उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कमिश्नर को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो उस सूरत में जो अमाउंट उस क्रेडिट हुई है या जो इन्वेस्टमेंट की गई है या इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है या जो मनी या आर्टिकल या एक्सपेंडिचर जो किया गया है वो उसकी इनकम में शामिल कर दिया जाएगा यानी ऐड बैक कर दिया जाएगा उसकी इनकम में और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, यानी अगर उसने एक इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी में फॉर एग्ज़ाम्पल और उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है और उसने या तो डिक्लेयर नहीं किया तो वो 1 करोड़ रुपया पूरे का पूरा उसका ऐड बैक हो जाएगा उसकी इनकम में, और अगर उसने वो कम शो किया फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिलियन शो किया है तो 5 मिलियन जो कुछ छुपाया गया है तो वो 5 मिलियन जो है जो डिफरेंस है वो ऐड बैक कर दिया जाएगा उसकी इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंडर, और जो सप्रेस की गई अमाउंट या कम शो की गई है चाहे वो प्रोडक्शन है सेल्स है या कोई और ऐसा आइटम जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वो उस पर्सन की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, और वो सेल्स प्रोडक्शन
या कोई और रिसीट जो है वो उसकी ऐड बैक की जाएगी इनकम में, लेकिन वो ऐड की जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो अगर वो फुली डिक्लेयर नहीं हुई तो वो पूरी अमाउंट, और अगर कम अमाउंट पे डिक्लेयर हुई है तो फिर सप्रेस की गई है अगर, तो फिर जो डिफरेंस है एक्चुअल अमाउंट और डिक्लेयर्ड अमाउंट का वो ऐड बैक कर दिया जाएगा उसकी इनकम में अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, इसमें एक प्रोविज़ो है, वो ये कहता है कि अगर कोई टैक्स पेयर किसी भी अमाउंट जो डिक्लेयर की गई, जो क्रेडिट की गई है या जो इन्वेस्टमेंट की गई है या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल वगैरह जो उसके पास है या कोई फंड्स उसके पास आए हैं जो उसने उसको एक्सप्लेन करता है उसकी नेचर को, यानी क्या था, क्यों, कहाँ से आई वो, और सोर्स भी उसका बताता है, वो बताता है कि जी एग्रीकल्चर इनकम में है, यानी कि उसने एग्रीकल्चर इनकम से ये कमाया है, और आपको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। फिर उसमें ये होगा कि एग्रीकल्चर इनकम फिर देखा जाएगा कि जिस प्रोविंस में उसके पास लैंड है उस प्रोविंस में क्या उसने वो उतनी इनकम प्रोविंशियल इनकम टैक्स लॉ में डिक्लेयर की है या उस पर टैक्स दिया है या नहीं दिया। अगर उसने वहाँ डिक्लेयर की होगी तो वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, अदरवाइज़ वो फिर उसकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगी। अच्छा, सब सेक्शन 2 ये कहती है कि जो हमने ऊपर सब सेक्शन 1 में डिस्कस किया कि अगर कोई इनकम या एसेट या रिसीट या प्रोडक्शन या सेल्स अगर आपकी सप्रेस हुई हैं या ना डिक्लेयर नहीं हुई तो वो पूरी की पूरी या पार्टली जो है उसमें आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया किस साल में ये ऐड होंगी, तो उसमें उन्होंने कहा है यानी टैक्स उस पर किस साल में लगेगा कि टैक्स ईयर टू विच सच अमाउंट रिलेट्स, कि जिस साल की ये अमाउंट थी, इफ़ द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द इन्वेस्टमेंट मनी वैल्यूएबल आर्टिकल और एक्सपेंडिचर इज सिचुएटेड और इनकर्ड इन पाकिस्तान और कंसील्ड इनकम इज़ पाकिस्तान सोर्स, अगर वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है या पाकिस्तान में वो इनकम कमाई गई है तो जिस साल में ये इनकम कमाई गई है उस साल में इसको टैक्स किया जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट मनी या वैल्यूबल आर्टिकल या एक्सपेंडिचर कमिश्नर ने डिस्कवर किया है और वो या तो जो सोर्स है वो आउटसाइड पाकिस्तान सिचुएटेड है या उसकी एक्सपेंडिचर हुआ है वो पाकिस्तान से बाहर एक्सपेंडिचर हुआ है, जैसे बाहर आपने कोई प्लॉट ले लिया या कोई घर ले लिया, कोई गाड़ी ले ली या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो उस सूरत में जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर है यानी पिछला साल जिसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह की गई उससे जो पिछला साल है उस पर उसको टैक्स किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, वो ये कहते हैं कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट वेयर द इन्वेस्टमेंट मनी वैल्यूएबल आर्टिकल या एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है वो हासिल किया गया है या पाकिस्तान जो इनकर किया गया है आउटसाइड पाकिस्तान प्रायर टैक्स ईयर में और उसकी टैक्स ईयर 2018 में उसको अगर इंक्लूड होना था तो यानी एज़ पर लॉ जो मैंने पीछे डिस्कस किया या उसके बाद 2018 या उसके बाद अगर करना था कमिश्नर ने डिस्कवरी की और उस पर उसको कंफर्म है कि ये 2018 या 2018 के बाद की किसी साल में ये चार्ज होना था और इसको कमिश्नर ने 2019 में या 19 के बाद डिस्कवर किया है अगर, और जो टैक्स पेयर है वो ये एक्सप्लेन करता है कि ये एसेट या एक्सपेंडिचर या जो भी इसमें सप्रेशन की गई है वो रिलेट करता है टैक्स ईयर उस टैक्स ईयर में जिस साल ये एसेट एक्वायर हुआ या एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है, और ये एक्सप्लेनेशन जो है वो रिजेक्ट नहीं की जाएगी सिर्फ ऑन द बेसिस के सोर्स जो है वो उस साल में रिलेट नहीं करता, उस साल से रिलेट नहीं करता जो जिस साल में ये टैक्स
में चार्जेबल था, यानी कि अगर 2018 में अगर कोई चीज़ सप्रेस्ड अमाउंट या कंसील्ड अमाउंट जो है वो अगर शामिल होनी थी 2018 या उसके बाद के सालों में, और कमिश्नर ने उसको 2019 या उसके बाद डिस्कवर किया, तो टैक्स पेयर अगर ये एक्सप्लेनेशन देता है कि उसने ये जो इनकम या एसेट जो है या एक्सपेंडिचर जो है वो जिस साल में उसने एक्वायर किया है या एक्सपेंडिचर किया उसी साल में कमाया गया है, तो कमिश्नर उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। और सबसेक्शन 3 ये कहती है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट या वैल्यूएबल आर्टिकल जो डिक्लेयर किया गया है आपकी टैक्स रिटर्न में या एक्सपेंडिचर जो आपका है वो रीज़नेबल कॉस्ट से कम है, यानी आपने एक प्लॉट लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उसको 3 मिलियन में डिक्लेयर किया है लेकिन उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 6 मिलियन थी अगर, तो इसका मतलब आपने 3 मिलियन सप्रेस किया है, कंसील किया है आपने, तो उस सूरत में कमिश्नर उस रकम को या उस डिफरेंस को इंक्लूड कर सकता है उसकी इनकम में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। किस साल में वो करेगा? जिस साल में वो डिक्लेयर किया गया, जिस साल में वो ट्रांजैक्शन हुई या एसेट ख़रीदा गया या कोई एक्सपेंडिचर किया गया, उस साल की इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंडर वो उसको शामिल कर देगा, ऐड बैक कर देगा। सबसेक्शन 4 ये कहती है कि ये सबसेक्शन 1 जो है वो अप्लाई नहीं होगी फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर से पाकिस्तान में रिमिट हुआ है नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, यानी बाहर से किसी टैक्स पेयर ने पाकिस्तान में रिमिट किया है कोई पैसा नॉर्मल बैंकिंग चैनल से, और वो अमाउंट जो है किस साल में 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, यानी एक टैक्स ईयर में वो 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, तो वो ये सब सेक्शन 1 जो है वो अप्लाई नहीं होगी, यानी उसका सोर्स जो है वो नहीं पूछा जाएगा। और अगर शेड्यूल्ड बैंक या कमर्शियल बैंक जो पाकिस्तान में हैं उसमें ये क्रेडिट हुई है और ये बाहर से आई है, और सर्टिफिकेट आपके पास अगर अवेलेबल है इस चीज़ का, यानी कि फॉरेन रेमिटेंस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है, तो इन सच केस जो है वो कमिश्नर आपसे नहीं पूछेगा। और उसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, उसमें ये कहा गया है कि ऐसी अमाउंट जो बाहर से पाकिस्तान आई है वो मनी सर्विस ब्यूरोज़ हैं या एक्सचेंज कंपनीज हैं या मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स हैं, वो भी समझा यह जाएगा कि अगर उनके थ्रू भी अगर पाकिस्तान में आई है तो वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आई है, यानी कि ये जो सोर्सेज हैं इनके थ्रू अगर आई है मनी एक्सचेंज के थ्रू या इस तरह, तो वो उसको भी बैंकिंग चैनल ही समझा जाएगा। और सबसेक्शन 4A ये कहता है कि अगर कोई टैक्स पेयर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या सोर्स ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करते हुए कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो फाइनल टैक्स में था वो बताता है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फाइनल इनकम जिन जिन चीज़ों में आती है, अगर वो सोर्स ऑफ इनकम बताता है तो टैक्स पेयर को ये हक नहीं है कि वो इम्प्यूटेड इनकम से ज़्यादा जो है वो जो क्रेडिट ले सके, यानी कि आपको पता है कि अगर आप फाइनल टैक्स में आते हैं तो आपकी टोटल अमाउंट के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स कट जाती है, वो फुल एंड फाइनल होती है, लेकिन वो फिर जो उसकी जो इनकम है, यानी कि जो आप वाइट इनकम जिसको कहते हैं, जो आपकी लीगल इनकम है, वो कैलकुलेट बैक होती है इम्प्यूटेबल इनकम के हवाले से, इम्प्यूटेबल इनकम से ज़्यादा वो अपने अकाउंट में इनकम शो नहीं कर सकता, अनलेस द एक्सेस अमाउंट इज़ रीजनेबली एट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स एंड द टैक्स पेयर फर्निशेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स आर ड्यूली ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, अलबत्ता अगर उसने उसका फाइनल टैक्स में आता है और उसने इसकी सपोर्ट में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर दी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से,
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर प्रेजेंट कर दी हैं तो उस सूरत में वो इम्प्यूटेबल इनकम से ज़्यादा भी अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकता है और वो फुल एंड फाइनल में आएगी। तो ये सेक्शन थी जी, सेक्शन 111, जिसमें अनएक्सप्लेन्ड इनकम या अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट या एसेट्स जो है उसके ऊपर डिस्कशन की गई है कि अगर आपने कोई इनकम फुली या पार्टली डिक्लेयर नहीं की या उसको आप एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गए तो उस सूरत में आपसे FPR सोर्स ऑफ इनकम का पूछ सकता है और वो आपकी इनकम में ऐड बैक कर सकता है। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन आखिर में मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लेरिफाइड दैट अ सेपरेट नोटिस अंडर दिस सेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड। यानी 111 का इस सेक्शन का नोटिस अलग से होना ज़रूरी नहीं है। अगर ऑलरेडी उससे कोई पूछा गया है इस हवाले से कि जी कोई इनकम कोई अमाउंट क्रेडिट हुई है उस पर्सन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या कोई उसने इन्वेस्टमेंट की है या उसके पास कोई ओनरशिप ऑफ मनी है या वैल्यूएबल आर्टिकल है और कोई ऐसे फंड जिससे कोई एक्सपेंडिचर किया गया है कोई और कोई ऐसी प्रोडक्शन सेल या अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, इस हवाले से अगर क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी किसी और सेक्शन के तहत, ये जैसे सेक्शन 122 सब सेक्शन 9, इस हवाले से अगर उसको ऑलरेडी उसको नोटिस इशू हो चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि 111 सेक्शन का अलग से नोटिस इशू हो। यानी उसी सेक्शन के तहत आपसे पूछा जा सकता है और अगर आप एक्सप्लेन करने में नाकाम हुए तो वो फ़ैसला सुनाया जा सकता है इस सेक्शन के तहत कि जी आप एक्सप्लेन नहीं कर सके तो इसलिए आपके ऊपर ये टैक्स हम लगा रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह नगेबान।